जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं माँ तुलसी के ऊपर ऐसा क्या चढ़ाया जाए जिसे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो। ये वीडियो बड़ी अद्भुत है, तो इसी की मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। तुलसी माता के पौधे को हमेशा मिट्टी के ही बर्तन में लगाना चाहिए। तुलसी माँ का जो पौधा है, आप कितने भी करोड़पति हैं, इसको धातु के बर्तन में नहीं लगाया जाता। ऐसा नहीं है कि आप उसको परात में लगा लें या सोने चांदी के किसी बर्तन में आप लगा लें, नहीं। वर्णन है कि तुलसी का पौधा हमेशा मिट्टी के ही पात्र में लगाया जाता है, गमले वगैरह में, वो मिट्टी में ही उसको लगाया जाता है। ये सीमेंट वगैरह भी मिट्टी में ही आता है, जैसे सीमेंट वगैरह के गमले बनते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घर के मध्य आंगन में उसको स्थापित करें। धरती से उसकी ऊंचाई इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर हो कि जहां दिया वगैरह जलाएं तो कोई जीव जंतु उसको चाटे नहीं, यानी उसको लुढ़का ना दे, तो इसलिए थोड़ी ऊंचाई की बात कही गई है। फिर कहा, तुलसी के पौधे के पास शाम के समय में घी का दिया जरूर जलाएं, एक दीपक सुबह एक शाम को। तुलसी के पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा होती है। तुलसी माता को कच्चा दूध और सुहाग की चूड़ियाँ चढ़ाने से, सुहाग की चूड़ियाँ तुलसी मैया की जो डाली शाखा होती है उसके ऊपर चढ़ाते हैं, उसको तुलसी मैया जी को चूड़ियाँ चढ़ाने से यह विचार कीजिए पति की उम्र बढ़ती है। लेकिन मैं धन की बात कर रहा हूँ, तो तुलसी मैया को सिंदूर लगाने से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, और ये डालियों पर उसके तने पर सिंदूर लगाया जाता है। तो आप तुलसी मैया को आप सिंदूर जरूर लगाएं। तुलसी माता को सिंदूर लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, माँ अति प्रसन्न होती है। हमारे वास्तु शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, जब बहुत घोर गरीबी चल करके आती है, कैसे भी पैसा टिकता नहीं है, तब हमारे ग्रंथों में, वास्तु शास्त्र के ग्रंथों, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन किया गया है, तो समय तुलसी माँ को सिंदूर लगाया जाता है, उसकी डालियों पर, उसकी शाखाओं पर सिंदूर लगाया जाता है। तुलसी मैया को लाल चुनरी आप जरूर बांधें, जो कि शौर्य का प्रतीक है। तो हमने भी तो देखी है ये लाल चुनरी, इसलिए तो मैया जी को पहना रखी है, इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। इसके तने में कलावा बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने बांधा है, दीपक जल रहा है, ये आप देख रहे हैं, वो चुनरी के नीचे है। एक बार दिखाना चुनरी को, थोड़ा एक इधर उधर करके देखो, कलावा बना होगा, बना है, हाँ कलावा बना है। ये सिर्फ आपको बोलने के लिए ही बातें नहीं है, ये हम भी खुद करते हैं। अरे हमने कार्तिक आज शुरू हो रहा है, हमने मैया जी की पूजा की है, माँ को अर्घ दिया है। अब बात आती है कि मैया को कौन से पात्र से जल दिया जाए, तो चांदी और तांबा दो पात्रों का वर्णन किया गया है। इन दो पात्रों से आप मैया जी को आप अर्घ दीजिएगा, माँ इससे अति प्रसन्न होती है। अब मैं आपको श्लोक बोल देता हूँ, ताम्र पात्र स्थितम गव्यम जलम पल्लव संसितम। तांबे का पात्र लें, उसमें जल भरें और उसमें थोड़ा सा गौ माता का दूध डालें, क्योंकि तुलसी मैया की जड़ों में गौ माता के कच्चे दूध के जाने से तुलसी कभी सूखती नहीं है। ये वर्णन किया गया, ताम्र पात्र स्थितम गव्यम जलम पल्लव संसितम आत्मार्थम पाचितम। आज बहुत अद्भुत बात कही है, ताम्र पात्र, तांबे के पात्र में जल, गंगा जल, थोड़ा सा दूध डाल करके मैया को आप अर्घ दें, इससे माता अति प्रसन्न होती है। जिसके ऊपर माँ तुलसी कृपा कर दे, भगवान नारायण की कृपा तो फिर दूर होती ही नहीं है, नज़दीक होती है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया कि कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का इतना बड़ा महत्व है कि घोर गरीबी का नाश कर देती है, जिसमें मैया जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। पर इस सिंदूर की इतनी बड़ी महिमा है कि मैया आनंद कर देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक अद्भुत बातों को सुनते रहिएगा। वर्णन किया है कि हरि जागरणम तत्र विधि प्रोक्तम चकारयेत। जो इस कार्तिक के महीने में भगवान को गीत सुनाता है, भगवान का रात्रि में जागरण करता है, तो यमदूता पलायन्ते गजा सिंगार देश, तथा जैसे सिंह की गर्जना से वन के वो सब जीव भाग जाते हैं, उसी प्रकार से
कार्तिक मास में भगवान की कीर्तन करने से, जागरण करने से यम के दूत ऐसे ही भाग जाते हैं, आसपास भी नहीं रहते। यम दूता पलायन्ते गजा सिंहार्दुता यथा, जैसे सिंह की गर्जना से वन के जीव भाग जाते हैं, उसी प्रकार से कार्तिक मास का व्रत करने से, उसमें भगवान के नाम का नाम संकीर्त करने से यम के दूत ऐसे ही भाग जाते हैं। इसलिए मैंने इस कार्तिक मास की कुछ विशेष बातें आपके बीच में कही गई हैं, तो इनको यदि पालन किया जावे तो बहुत ही आनंद हो जाएगा, इतना आनंद हो जाएगा कि आप अचंभा करेंगे और कहेंगे कि बहुत बहुत आनंद हो गया है। तो ये इतनी बड़ी महिमा इस विष्णु व्रत की है, इस कार्तिक व्रत में। हाँ, लोगों को पता भी नहीं था, कोई तो कहते थे कि मैया जी को सिंदूर नहीं चढ़ता, और हम इस ग्रंथ से कह रहे हैं तुलसी मैया को वो सिंदूर, लोग कहते हैं सिंदूर नहीं चढ़ता, ग्रंथ कहता है कि तुलसी मैया को सिंदूर लगाने से घोर गरीबी का नाश होता है। प्रत्येक दिन माता जी को आप सिंदूर लगाइए, अपने सुहाग की उम्र बढ़ाने के लिए मैया जी को आप चूड़ियाँ पहनाइए, चूड़ी, और मैया जी को चुनरी उड़ाइए, और सुबह माँ को जल, रात्रि को जल नहीं दिया जाता है माता जी को, दिया घी का दीपक जला करके रखें, सुबह के समय में माँ को अर्घ दें। इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हमने आपको दी है। कार्तिक के कुछ विशेष नियम अगली वीडियो में हम तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर चर्चा कर रहे हैं, उसको भी आप जरूर सुनिएगा। इस वीडियो की यही दक्षिणा है, यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो को आगे भेजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। 9 नवंबर गोपाष्टमी महोत्सव पर श्रीधाम वृंदावन गौती तुलसी तपोवन गौशाला आइए, हम और आप मिलकर के गौ माता की पूजा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।